चीन को सबक सिखाने की तैयारी, एक साथ ड्रोन का निर्माण करेंगे भारत और अमेरिका। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 और मैं हूं नसरीन सुल्ताना। अधिकारी ने बताया कि भारत इन ड्रोनों का निर्माण करेगा और चीन के आसपास के क्षेत्रों के देशों को नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने हथियारों में डाइवर्सिटी लाना चाहती है क्योंकि अभी ज्यादातर हथियार रूसी निर्माणित है। चीन की एक तरफा साजिशों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आगे है। ड्रैगन की मजबूती से मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका ने एक साथ ड्रोन को डेवलप करने का फैसला किया है, यानी दोनों देशों मिलकर ड्रोन का निर्माण करेंगे। इसकी जानकारी पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने गुरुवार को बताया कि अमेरिका और भारत ड्रोन को एक साथ मिलकर डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन और भारत चाइना को सबक सिखाने के लिए एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। भारत खुद के डिफेंस इंडस्ट्री का भी तेजी से विकास करना चाहता है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, हम दोनों मोर्चों पर भारत का सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसा कर रहे हैं। हम भारत के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं। इसके जरिए साथ में उत्पादन और विकास करने की क्षमता में इजाफा होगा, जिससे भारत को अपने रक्षा अधिकारण लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। रेटनर ने यह भी कहा कि इस पहल की मदद से भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे क्षेत्र में अपने पार्टनर्स को कम कीमत पर नियुक्त कर सकेगा। रेटनर ने एरोप्लेन और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम से लॉन्च होने वाले ड्रोनों को डेवलप करने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा, हम भारत सरकार में अपने समकक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर इसको लेकर और भी कई जरूरी घोषणाएं होगी। जयशंकर ने कहा, हमारे समय में हमने दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव देखा है और वह चीन की उभर है। उन्होंने कहा, मुद्दा यह है कि कैसे दो उभरती शक्तियां एक दूसरे के हितों में अनुरूप एक गतिशील स्थिति में काम करने का तरीका ढूंढती है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24।